नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज है दशहरा। आज दशहरा की तिथि है। जब भी दशहरा आता है, दशहरा की तिथि ही विजय का प्रतीक है। यदि आपको बार बार असफलता मिल रही है किसी भी काम में, आपको सफलता जल्दी नहीं मिलती है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, आज के दिन ये छोटा सा काम आप जरूर करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आज के दिन 10 पीले फूल गेंदा के, 10 कनेर के लाल फूल ले लें और इसको ले जा करके जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर हो, भगवान नारायण का जहाँ मंदिर हो, वहां लेकर के जाएं और ओम नमो विजयाय नमः बोलते हुए इन पुष्पों को आप अर्पित करें। ये 20 पुष्प अर्पित करने के बाद एक गुलाब का पुष्प आप भगवान के चरणों में अर्पित करें, या तमाम पुष्पों को आप इन मंत्रों से अभिमंत्रित कर लें और अभिमंत्रित करके जाकर के भगवान को अर्पित कर दें, या इसकी एक माला बना लें और भगवान जी को जाकर के पहना दें। सफलता के द्वार खुल जाएंगे। आज के दिन 10 हल्दी की गांठे ले लें। गांठों के ऊपर हल्दी की ही गांठे लेनी है और उसके ऊपर पीले ही कलर से आपको ओम राम रामाय नमः इस मंत्र को हर गांठ गांठ पर लिख करके और इन गांठों की माला बना करके आप केले के पेड़ पर चढ़ाते हैं, आपको हर काम में विजय मिलने लग जाएगी। आज के दिन कोई भी 10 फल ले लें। यदि केला लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आप लिख सकेंगे अच्छे से। हर फल के ऊपर आपको पेन से या हल्दी से ओम रम रामाय नमः, ओम विजयाय नमो नमः, ये दोनों मंत्र एक साथ लिखने हैं। ओम राम रामाय नमः, ओम विजयाय नमः, और सामने 10 आपको लिख देना है, 10। और ऐसे 10 फल आप लेकर के जाएं, अपने हाथ में लेकर के ऐसे मंदिर में खड़े हो जाएं और 10 बार आपको भगवान राम का नाम लेना है, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, श्री राम शरणम मम, हे भगवान राम मैं तुम्हारी शरण में हूँ। जिस भी काम में आपको असफलता मिल रही है, उस काम की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें और 10 फल भगवान को अर्पित करें। आप देखेंगे आपको काम में सफलता मिलने लग जाएगी। करके देखें। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।